हेलो स्टूडेंट स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास टेंथ का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट देखिए, ये चैप्टर जो है तो बहुत ही सिंपल, ठीक है, बट इसके क्वेश्चंस जो होते हैं थोड़े डिफिकल्ट इसमें एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो हम लोग क्वेश्चंस को भी टारगेट में रखते हुए इसको बहुत ही अच्छे से इस चैप्टर को देखने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट का नाम है, देखिए आपने, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ओके। मैं चैप्टर फर्स्ट, हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, चैप्टर फर्स्ट, ओके। तो चैप्टर फर्स्ट का नाम आपको पता होना चाहिए, केमिकल रिएक्शन, ओके, रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। तो चैप्टर फर्स्ट का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, ठीक है। देखिए, इस चैप्टर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस को और सेकंड पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, ठीक है। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, देखिए केमिकल रिएक्शन क्या होता है, अगर मिल्क है, ठीक है, दूध है, तो दूध से कर्ड का फॉर्मेशन होना, ठीक है, मिल्क से कर्ड बन जा रहा है आपका, तो मिल्क का केमिकल रिएक्शन हो रहा है किसी सब्सटेंस के साथ जो कि आपको कर्ड का फॉर्मेशन कराना है, ठीक है। तो एक तरीके से वो आपका केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं, ठीक है, आपको केमिकल मतलब एक तरीके से आपका रिएक्शन हो गया। बट ये डिफिनेशन, एक्चुअल डिफिनेशन इसका क्या होता है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, मैं आपको बताता हूं। देखिए, द रिएक्शन इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म विथ न्यू प्रॉपर्टी, ठीक है। मतलब केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है, केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस, ठीक है, फिर से समझ लीजिए बात को, मैं क्या बता रहा हूं। केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म विथ न्यू प्रॉपर्टी, ठीक है। केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग नया सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टी का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे एग्जांपल देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये मिल्क है, ठीक है, मिल्क में थोड़ा सा कर्ड का अमाउंट डाला जाता है, ठीक है, हल्का सा कर्ड डालने के बाद इधर कर्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है हमारा, ये है, और ये देखिए, तो केमिकल रिएक्शन क्या हुआ कि किसी सब्सटेंस का किसी सब्सटेंस के साथ रिएक्शन होने के बाद देखिए आपको कोई नया सब्सटेंस मिला। मतलब जो सब्सटेंस आपको मिलेगा उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी जो है न्यू प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। इसका अब इसका और इसका कोई रिलेशन तो है नहीं क्या, ठीक है, इससे भी वो बना हुआ सब्सटेंस है बट उसकी प्रॉपर्टी कुछ दूसरी हो गई, ठीक है। तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है विद द हेल्प ऑफ मतलब नई सब्सटेंस विद नई प्रॉपर्टी आपको मिले, जिसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं।